हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जिसमें मैंने आपको बिहारी सरसों मसाला फिश करी बनाने की विधि बताई थी। और अभी समर सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन है और इसमें मैंगो हमें मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज हम मैंगो पिकल्स बनाने वाले हैं, आम का अचार। इसके लिए हमने करीब 2 केजी कच्चे मैंगो लिए हैं, जिसे हमने धो लिया है। इसे हम कट करेंगे चाकू की सहायता से। बीज का जो गुठली है उसे निकाल दें, उसका यूज हमें नहीं करना। इसके छोटे छोटे पीसेस आप कर लें। छोटे पीसेस ठीक रहते हैं, सभी मैंगो के पीसेस कर लें छोटे छोटे। हमने सभी मैंगो को काट लिया है, कट कर लिया है टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि इसके मॉइस्चर खत्म हो जाए। हमने मैंगो को धूप में रख के उसके मॉइस्चर को खत्म करके सुखा लिया है, आप देख रहे हैं। इसे धूप में रखना बेहद जरूरी है कुछ घंटों के लिए। हमने सबसे पहले यहाँ साबुत लाल मिर्च लिया है, सरसों लिया है, लगभग 250 ग्राम सरसों हमने लिया है यहाँ पर, काला पीला सरसों, 1 का तेल 1 कटोरा 250 ग्राम, 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी धनिया साबुत धनिया, 1 कटोरी हल्दी पाउडर, 1/2 कटोरी ब्लैक पेपर, 1 कटोरी जीरा साबुत जीरा, 1 कटोरी मेथी दाना, नमक, अजवाइन मंगरेल और सौंफ, जिसे हमने आपस में मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म करके उसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा को 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा ना भूने। जीरा भूनने पर यह एक बहुत ही अच्छा स्मेल और टेस्ट इसका आ जाता है और अचार की खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है इससे। आप पाउडर का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ साबुत ही लिया है। हमारा जीरा लगभग भुन गया है, अब हम इसे जार में निकाल लेंगे। ध्यान रखें गैस को मीडियम करके भूनना था। जीरा ठंडा होने पर हम उसका पाउडर बना लेंगे मिक्सर में। अब हम यहाँ मेथी दाना लेंगे, इसे भी 2 से 3 मिनट भूनना है धीमी आंच पर, उससे ज़्यादा ना भूने अथवा ये तीखा स्वाद दे देगा। मेथी दाना यहाँ जो हम भून रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम यहाँ 2 तरीके से करेंगे। आधे मेथी का तो हम पाउडर बनाएंगे और आधे मेथी को हम साबुत ही छोड़ देंगे। हमारा मेथी दाना भी भुन गया है, आप देख रहे हैं। हमने जीरा का पाउडर बना लिया है, इसे निकाल लें। और सभी मसाला जो हम यहाँ साबुत यूज कर रहे हैं, सभी का पाउडर बना लें 2 से 3 मिनट तक भूनकर। मेथी दाना अच्छे से ब्राउन हो चुका है, आधी मेथी दाना को पेस्ट पाउडर बनाना है। इसे भी हम पाउडर बना लेंगे मिक्सर में। अब हम साबुत धनिया
को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसका भी टाइमिंग 2 मिनट आप करें और धीमी आंच पर। इसमें थोड़ी सी मात्रा में हम सौंफ मिलाएंगे। सभी सौंफ इसमें नहीं डालने हैं, आधे डालें। बचे हुए सौंफ का इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे, साबुत सौंफ ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमने सौंफ डाल लिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे भी धनिया के साथ भून लें। आप इन सभी का बचा हुआ जो हमारा सौंफ था उसमें हमने अजवाइन मंगरेल डाल लिया है और इसे 1 मिनट तक भूने। इसकी टाइमिंग सबसे कम होनी चाहिए, अन्यथा ये तीखा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल साबुत करना है, इसे पीसना नहीं है। ये हमने लाल मिर्च को भी इसका डंठल निकाल कर इसे 1 से 2 मिनट तक भूनने हैं। इसके भी पाउडर बना लेंगे। ये आप देख रहे हैं हमने जीरे का जो पाउडर बनाया था वो कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा मेथी दाना का पाउडर है जिसे हमने महीन पीस लिया है। ये हमारा साबुत धनिया और सौंफ का मिक्सर पाउडर है, मिक्स है दोनों। ये जो हमने काली और पीली सरसों ली थी उसका पाउडर हमने बना लिया है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहाँ हम सरसों का ही कर रहे हैं। ये इसमें अजवाइन, मंगरेल एवं सौंफ है, साबुत है ये। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आम में नमक डालेंगे। 2 केजी आम में लगभग आप 250 ग्राम नमक का इस्तेमाल करें। नमक आम को सही रखने में हेल्प करता है या इसे खराब नहीं होने देता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल अच्छी तरह से करें। करीब 250 ग्राम नमक। ये हल्दी डालेंगे इसमें। हल्दी आप लगभग 50 ग्राम डालेंगे। हमने यहाँ पे जितने भी मसाले लिए हैं उन सभी का इस्तेमाल आप करेंगे तो वो लगभग 5 केजी आम में, इतने मसाले में आपका 5 केजी का अचार बन जाएगा। सभी को नमक और हल्दी को आपस में मिक्स कर लें ताकि ये आम में अच्छी तरह से मिल जाए। सभी को मिला लेंगे अच्छे से, चम्मच की सहायता से मिलाएं, हाथ का प्रयोग ना करें। और इसे 2 से 3 दिनों के लिए धूप में रखेंगे ताकि यह अच्छी तरह से मिल जाए एवं यह एक पानी निकलेगा इसे हल्दी नमक का। ये आप देख रहे हैं धूप में रखने के बाद 2 से 3 दिनों के बाद इसमें काफ़ी मात्रा में पानी आ गई है। इस पानी का इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं और इसे हटा भी सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करने पर यह एक रसीला आम का अचार बनेगा और इसके रस जो होते हैं, ग्रेवी होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसलिए आप ना ही हटाएं तो बेहतर है। इसमें हमने सबसे पहले जीरा पाउडर डाला है। इसमें अब हम धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे, 3 से 4 चम्मच। मेथी जिसका हमने पाउडर बना लिया है महीन, इसे आप 1 से 1.5 चम्मच डालें। यह हमारा अजवाइन, मंगरेल एवं सौंफ का है। इसकी खासियत यह है कि यह अचार के बहुत ही अच्छा अचार को एक फ्लेवर देता है एवं स्मेल देता है। यह हमने आपको बताया था सभी मेथी दाना का पाउडर नहीं बनाना है, साबुत छोड़े गए मेथी दाना को हम इसमें डाल लेंगे। हमने यहाँ 2 मेथी दाना यूज किया, एक पाउडर एक साबुत। तेल लगभग 250 ग्राम। तेल की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, तेल इसे खराब होने से बचाएगा। ये इसे
आप जितने साल तक इसको रखना चाहें रहेगा, साल, 2 साल, 4 साल, ये इसे ख़राब नहीं होने देता है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे जो इसके तीखापन को और इसके कलर को और इसके टेस्ट को बढ़ाएगा। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये सभी चीज़ें आपस में। और ये हमारा सरसों जिसे हमने पाउडर बना लिया है। सरसों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें पाउडर के। यह अचार को एक गाढ़ापन देता है सरसों। और सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सभी का फ्लेवर आम के टुकड़ों के साथ मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। थोड़ी सी हल्दी की मात्रा कम लग रही हो तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर इसमें और इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हमने यहाँ किया है। इस अचार को बनाने के बाद आप इसे करीब 7 से 10 दिनों तक इसे धूप में रखें ताकि ये ख़राब ना हो। आप इसे लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत कलर इसका आया है।